सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मुंबई कांग्रेस की ओर से इस्लाम जिमखाना में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा के अलावा उर्मिला मातोंडकर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। रमजान के इस पवित्र महीने में मुंबई कांग्रेस के सदर मिलिंद देवड़ा जी ने आज रोजा इफ्तार का यहाँ पर आयोजन किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये परंपरा रही है कि मुंबई कांग्रेस ने हमेशा यहाँ पर मुंबई में रोजा इफ्तार का आयोजन होता है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, बाकी सब कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल होते हैं। और इस पवित्र महीने में एक तो एक दूसरे से मिलना, इस पवित्र महीने की को ध्यान में रखते हुए हमारे इरादों तो नेक हैं ही सबके, देश की विकास होगा, उन्नति होगी तो महाराष्ट्र का विकास होगा। देश एक टर्बुलेंट पीरियड से गुजर रहा है, चुनाव हो गए हैं और मुझे लगता है कि सभी के दिलों में एक ही भावना है कि देश में बदलाव आ जाए, देश में मिल के काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह भगवान ईश्वर के आशीर्वाद से एक सभी कौमी एकता का माहौल इस देश में बने रहे, महाराष्ट्र बने रहे और विकास की जो भावना थी पहले से, उस विकास की भावना को आने वाले 5 सालों में और तेजी से करने में हम सब लोग मिलकर आज बताएं। बहुत अलग है और बहुत खास है, क्योंकि मुझे बड़ा अभिमान है कि मैं ऐसे पार्टी से हूँ कि जो मैंने जैसे हमेशा कहा है सबको साथ लेकर जाने वाली पार्टी है। जैसा अभी अशोक जी ने फरमाया कि कोई भी त्यौहार हो और कोई भी मज़हब हो और कोई भी जगह के लोगों को एक भारतीय के और पर देखती है, तो आज एक बहुत बड़े फैमिली में यहाँ पर आके इफ्तार का मज़ा लूट रही हूँ ऐसा लग रहा है, और जिसके लिए मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मिलिंद जी की और सभी के लिए यहाँ पर मेरे साथ। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र और देश की जनता एकता, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भावना, अमन शांति में विश्वास करती है। कुछ लोग हैं जो कभी कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम नागरिक, आम भारतवासी और ख़ास करके आम मुंबई का, वो प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति, डेवलपमेंट, इन इश्यूज़ को लेकर वे काम करते हैं, इन इश्यूज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि 23 मई को रिजल्ट्स के दिन पर मुंबई के नागरिक अवश्य उन ताकतों को, उन असामाजिक तत्वों को सबक सिखाए। मैं समझता हूँ रमज़ान का महीना एक पाक महीना है और कहा हमारे में ऐसा है कि एक नेकी करोगे तो 70 नेकी का सवाब मिलता है, तो और ये मिलके जो आपस में हर धर्म के लोग आते हैं, ये कांग्रेस जो हर साल मिलिंद देवड़ा जी ने ये किया है, इससे अच्छा लगता है कि एक ज्योति होती है हर लोगों के साथ में और मोहब्बत बढ़ती है। रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, और सबको रमज़ान की मुबारकबाद बहुत बहुत। खुदा सबके लिए जो है सुकून के, आराम के, ज़िंदगी में बरकत के, रहमत के फ़ैसले करे, हमारे मुल्क में अमन अमान के फ़ैसले करे, शांति के फ़ैसले करे। ख़ास तौर पर 23 तारीख जो आ रही है, हर रोज़ेदार इस वक्त रोज़े में दुआ मांग रहा है, रोज़े की हालत में भूख में दुआ मांग रहा है कि आने वाली 30 तारीख में वो फैसले हो जो कौम के हक़ में बेहतर हो, मुल्क के हक़ में बेहतर हो और इस देश के हक़ में बेहतर हो। कांग्रेस की तरफ से ये रोज़ा इफ्तार है मिलिंद जी के नेतृत्व में, अशोक जी के नेतृत्व में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब चुनाव के बाद सब साथ मिलकर सबने रोज़ा खोला है, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज़ चैनल को और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।